हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज द सीओटी शो एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट लास्ट मोमेंट एडमिशन प्रोग्राम 2022। एटलीस्ट 15 मिनट का शो होने वाला है। जल्दी जल्दी से देख लो क्या सारा सीन रहा है यूनिवर्सिटियों का। एंड इसके साथ ही बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के 100% कॉलेजेस इन द इंडिया। बेसिकली ऑलमोस्ट एडमिशन आर क्लोज एंड कुछ की अभी जान लेते हैं। इसी के साथ जिनको अभी तक कोई भी ऑप्शन नहीं मिला है, दो ऑप्शन आप लोगों के पास है। या तो आप हमसे प्रिपरेशन कर सकते हो, जिसका हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे आपको लॉ, करंट अफेयर्स, जस्ट लाइक जो भी डोमेन टेस्ट वगैरह वगैरह सबकी प्रिपरेशन कराई जाती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि बहुत सारे लॉ टॉप 20-30 सीट्स आर अवेलेबल, उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हो। नॉमिनल चार्जेस के ऊपर आपको ऑलमोस्ट सीट अलॉट करा दिया जाता है। लास्ट ऑप्शन आप लोगों को बता देता हूँ, ऑलमोस्ट एक जस्ट लाइक लॉ टॉप स्टूडेंट्स आर फेसिंग दिस इश्यू फ्रॉम द कॉलेजेस कि आप लोगों को जो स्पॉलरशिप का जो झांसा दिया जाता है, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजों के रिगार्डिंग, कि आपकी अगर 1 लाख रुपये फीस है तो आपकी जो ऑलमोस्ट 40,000 तक हो जाता है। लेकिन एक बार ध्यान रखें, वो सिर्फ 1 साल के लिए होता है और आप जो उसके चक्कर में बिल्कुल फंस जाते हैं, ठीक है, वो सिर्फ 1 साल के लिए ही होता है। तो इनका सभी का ध्यान रखें। बेस्ट ऑप्शंस के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमारी टीम से आप कॉल कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यार कुछ कॉलेजों की बात करेंगे। लॉट ऑफ कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो पिछले 1 महीने से जो है क्लासेस चल रही है लगातार, ठीक है, वहाँ पे एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं। कुछ कॉलेजेस जैसे हैं जहाँ पे भी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है बहुत सारे स्टूडेंट का। कुछ अगर मेजोरिटी कॉलेजेस की बात करें जहाँ पे अभी भी एडमिशन चल रहे हैं, तो आप नोट कर सकते हो हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड गढ़वाल श्रीनगर के अंदर एक कॉलेज सिचुएटेड है। उसके बाद जो मेजोरिटी जो सीट्स अवेलेबल हैं इन द सीओटी, स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, HNBGU, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, विश्व भारती, इफ्लू, एंड उसके बाद जैसे कि AMU हो गया, BHU हो गया, ठीक है, जामिया हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, ये कुछ टॉप के कॉलेजेस जैसे लाइक जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सीट हैं। इसके बाद जो फ्यू कॉलेजेस है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द सीट्स अवेलेबल है अदर स्टेट में, जैसे CU राजस्थान, CU हरियाणा, CU पंजाब, CU गुजरात एंड लॉट ऑफ द कॉलेजेस स्पेशली, ओके। एंड इसके बाद कुछ कॉलेजों की अपडेट मैं बता देता हूँ आप लोगों को। स्पेशली यार स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेजेज हैं सब जगह ऑलमोस्ट एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। डीम्ड जो यूनिवर्सिटी होती है उसका बेसिकली मीन होता है दिस इज नॉट एंड प्राइवेट नॉट एंड गवर्नमेंट। इसके अंदर जो है प्राइवेट जस्ट लाइक एक पर्सन होता है, लेकिन थोड़ा बहुत गवर्नमेंट जस्ट लाइक उसका जो खुद का रूल होता है वो किसी से एफिलेटेड नहीं होता, सब कुछ वो खुद कंडक्ट करता है। एक बॉडी होती है स्पेशली, ठीक है, किसी के प्राइवेट पर्सन के हाथ में नहीं होता, बेसिकली NGO टाइप आप समझ सकते हो, जिसके अंदर जैसे कि जामिया हमदर्द हो गया, टाटा के जो इंस्टीट्यूट हो गए, मानव रचना हो गया, ये जो है डीम्ड यूनिवर्सिटीज होते हैं, बेसिकली प्राइवेट टाइप भी होते हैं, लेकिन एक बॉडी इनको कंडक्ट करती है, किसी से एफिलिएशन नहीं होता, काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, ओके। हो सकता है भविष्य में बहुत बार जो है इनको गवर्नमेंट भी एक्वायर कर लेती है और वो गवर्नमेंट बन जाती है। इसके बाद आप लोग जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को टारगेट कर सकते हो, बिकॉज प्राइवेट वाले आपका ऑलमोस्ट दिसंबर तक एडमिशन करेंगे, ऑलमोस्ट वहाँ पे क्लासें प्राइवेट में की अगर मैं बात करूँ तो अगस्त से उन लोगों ने क्लासेस स्टार्ट कर दी, ताकि बच्चों को जो है बांध के रखा जा सके। आप लोगों का जो सेमेस्टर होता है वो ऑलमोस्ट 80-90 डेज का होने वाला है, तो प्रिपरेशन अभी से आप जरूर से स्टार्ट कर सकते हो। ऑलमोस्ट 90 डेज का आपका टीचिंग पीरियड होता है इन द सेमेस्टर एग्जामिनेशन स्पेशल। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी एंड वहाँ पे ऑलमोस्ट अभी चल रहा है, वहाँ पे आपको जो shikshabhavan.com पे जाके विजिट कर सकते हो। उसके साथ ही आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, काफ़ी नॉमिनल चार्जेस पे ऊपर आपकी काउंसलिंग कर दी जाती है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में भी ऑलमोस्ट स्पॉट राउंड हो चुका है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्ट HOD जितने भी लोग हैं सारे के सारे आप HOD से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ईमेल डाल सकते हो उनको, बिकॉज बहुत सारे राउंडेड के अंदर जो बच्चे हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, तो जो है उनको कोई फ़ायदा नहीं होता कि उनकी सीटें खाली रहे, वो ये चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा पढ़ के जो भविष्य में हो सकता है हमारे देश का जो है प्रधानमंत्री बन जाए, तो यार ये सब सारी चीज़ें मैटर करती है, तो इन सब का आप लोग ध्यान रखो। हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी में लगातार लिस्टें आती जा रही है। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में ऑलमोस्ट क्लोजिंग पे है एंड ऑलमोस्ट बहुत सारी सीटें भर जाती है, ठीक है, अब तक कौन सीटें छोड़ता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी वेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों का दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप अगले साल के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, वो भी हम ही कराते हैं, दूसरा ऑप्शन हम भी एडमिशन भी कराते हैं, वो भी हम ही कराते हैं। तो नंबर एक ही है, वो डिस्क्रिप्शन में पिंड कमेंट में भी आप उस पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु है, वहाँ पे काफ़ी दिन हो गए कंप्लीट हुए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में PG के लिए चल रहा है,
पीजी वालों के लिए काफ़ी सारी सीटें पड़ी है, ऑलमोस्ट 30-40 सीटें अवेलेबल है। तो 40-50 बच्चों को तो हम दिला सकते हैं, लेकिन हम चार्जेस लेते हैं, वी डोंट प्रोवाइड एनी फ्री सर्विसेज। ओके, देन उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा है, तो उड़ीसा में भी ऑलमोस्ट कॉर्पोरेट वाला जो उसमें हो चुका है, केरला के अंदर आप ईमेल डाल सकते हो। पीजी वाले बच्चों के लिए काफ़ी सारी सीटें हैं, यूजी वाले बच्चों के लिए भी ऑलमोस्ट 20-30 तो मिल ही जाएगा इंडिया में, ठीक है। एंड उसके बाद गुजरात का ऑफलाइन बुलाया आई थिंक 7-8 दिसंबर को, तो आप लोग नोटिस चेक कर सकते हो। उसके साथ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश में ऑलमोस्ट हो चुका है। एंड यार अगर मैं बात करूँ इन यूनिवर्सिटियों का, जो भी बच्चे पीजी वाले हैं, एमए या फिर जो टीचिंग फील्ड के जितने भी लोग हैं, जो ऐसा लगता है कि मास्टर बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं है। पीएचडी अगर आप करते हैं, पीजी कोर्स अगर आप करते हैं, देन वी डोंट हैव एनी प्लेसमेंट इन यू रिगार्डिंग दिस कोर्सेज। इसी कारण आप लोग जो ये स्पेशली यही बच्चे जो होते हैं ना, रेलवे टीचर एंड अदर अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, और यही जो है बेरोजगारी वाली जो रेखा है उसको शो करते हैं कि भैया हम बेरोजगार हैं। स्पेशली जो बीटेक करते हैं वो तो कहीं ना कहीं जॉब पकड़ लेते हैं, लेकिन निकाह ऐसा होता है कि भैया हमने बैचलर भी कर रखा है, हमने ये जो पीजी कोर्स भी कर रखा है, अभी हम छोटी मोटी तो नौकरी करेंगे नहीं। इस कारण जो है बेरोजगारी की सीमाएं लोग पार कर देते हैं, ये इसका मेजर इश्यू है। और ये जो कॉलेजेज हैं यहाँ पे आपको स्किल वगैरह कुछ सिखाया नहीं जाता, तो इस कारण इन सब चीज़ों का सारे ध्यान रखोगे, ठीक है। एंड ये यूनिवर्सिटी वाले भी एकदम दादा बनकर रहते हैं, बिकॉज ये एक गवर्नमेंट प्रोफेसर होते हैं ना, इसलिए राइट। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आप स्लोक व्लोक वो भी यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुका है। बंदारा सिंधु यूनिवर्सिटी बीएचयू का स्पोर्ट राउंड कंडक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी ऑलमोस्ट हो चुका है, लगातार स्पोर्ट राउंड कंडक्ट होता जा रहा है। असम यूनिवर्सिटी सिलचर के अंदर स्पोर्ट राउंड की अगर मैं बात करूँ, तो जैसा कि हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विजिट करते हैं, लास्ट बार बोल रहा हूँ, जिनको अभी तक एडमिशन नहीं मिला है वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकता है, फिर व्हाट्सअप कर सकता है। उसके बाद अगले साल के लिए भी प्रिपरेशन करा रहे हैं, वो भी हम करा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। असम यूनिवर्सिटी सिलचर वाला जो है वहाँ पे आप लोगों के लिए एप्लीकेशन ओपन है, ऑलमोस्ट राउंड आ रहे हैं लगातार, और बहुत बच्चों को कम समझ में आ रहा है, तो auexamination.ac.in पर आप लोग विजिट कर सकते हो। वहाँ पर जैसे आप वेबसाइट पर विजिट करते हैं, आप लोग जो एडमिशन पोर्टल वाले पे क्लिक कर दोगे, तो auexamination.ac.in/ आपको जो मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर लगातार लिस्टें आती जा रही है, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है कॉलेज में, ज़रूर से जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह आप लोग देख लें, एचओडी वगैरह से कांटेक्ट करते रहो, हो सकता है हो जाने के बाद भी कैंसिल हो जाए, तो इन सब का ध्यान रखो, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों में ऑलमोस्ट हो चुका है, आप लोग जो है प्राइवेट भी टारगेट कर सकते हो। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यार जितने बच्चे होते हैं ऑलमोस्ट, ये आप में मान के चलो कि एक्टिव 6-7 लाख बच्चे थे, तो हमारे पास 6-7 लाख सीटें नहीं हैं, ऑलमोस्ट 1.5 लाख या 1,70,000 के आसपास सीटें हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 70,000 के आसपास 70-75,000 सीटें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एंड ऑलमोस्ट टोटल जितनी सीटें बच के 1,70,000 के आसपास सीटें हैं टोटल। लेकिन अप्लाई करने वाले बहुत से बड़े बच्चे हैं, जो कि बाद में जोशा में, CSAB में, अदर अदर राउंड में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। लॉट ऑफ द स्टूडेंट ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूँ अभी की, तो जो रेशियो 60,000+ स्टूडेंट गोइंग टू द स्टडी अब्रोड, एंड बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे यूट्यूबर बन जाते हैं, बहुत सारे बच्चे अदर स्किल कोर्स जैसे कि एनिमेशन के काफ़ी ऐसे कोर्सेज चल रहे हैं। इसके साथ ही आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बता देता हूँ, आप लोगों को अगर कोई अच्छा एनिमेशन या वीडियो एडिटिंग या फिर कंटेंट राइटिंग वगैरह वगैरह आता, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे साथ, जहाँ जो हमें रिक्वायरमेंट रहते हैं स्पेशली एनिमेटर्स की, ठीक है। हम जामतारा वगैरह जो कहानियाँ पब्लिश करते हैं अदर चैनल्स पे, वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहते हैं, तो आप जो है वहाँ पे आपको अच्छा खासा रेवेन्यू दिया जाता है, तो आप हमारी हेल्प कर सकते हो एंड आपको पैसा मिलता है, हमारी हेल्प होती है।